ये संगठन पहली बार चुनाव लड़ा रहा है और भदोही विधानसभा पूरे लोकसभा 78 लोकसभा पूरे क्षेत्र में ब्राह्मणों की जो उपेक्षा हो रही है अन्य पार्टियों द्वारा, उसको देखते हुए ब्राह्मण योजन सभा ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी भाई प्रमोद दुबे को लड़ाने का मन बनाया है और लड़ाई एकदम जम के होगी और ब्राह्मणों के हित के लिए होगी। का प्रत्याशी बनाया है तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस लोकसभा क्षेत्र से आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किस मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? राष्ट्रीय ब्राह्मण योजन सभा की तरफ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, उसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ और जो भी ब्राह्मणों का उपेक्षा हुआ है उसके लिए मैं तहे दिल से और हर प्रकार से आभारी रहूँगा और उनका मदद करने का हर प्रकार से जो भी उनकी अपेक्षाएँ हमसे हैं पूरे लोकसभा की उसपे मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा और हर प्रकार से जो भी लड़ाई होगी मैं उनके लिए लड़ूंगा, संघर्षरत रहूंगा। रणनीति हमारी यही होगी कि भदोही लोकसभा 78 क्षेत्र में जिस प्रकार से ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए संगठन के शीर्ष नेतृत्व एवं जिले की कार्यकारिणी के बैठक के बाद और जिला महासचिव, प्रदेश सचिव, पूर्वांचल प्रभारी की सहमति के बाद आज बड़े भैया प्रमोद दुबे जी को प्रत्याशी घोषित किया गया लोकसभा 78 क्षेत्र से। और हर वक्त हर मौके पर ब्राह्मणों की लड़ाई में हम अग्रसर रहेंगे और अपने खड़े किए हुए प्रत्याशी।